हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने लाइफ ट्रेड के बारे में जो मैंने आज एग्जीक्यूट किया था एंड उसमें कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस है एंड क्या वो लाइव है या जो भी है उस सबको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ ट्रेड का रीजन कि भाई मैंने क्यों ट्रेड लिया था, लॉजिक क्या था एंड थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दूंगा कि अगर आप भी कैपिटल ग्रो करना चाहते हो तो आपको क्या चीज फॉलो करना चाहिए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप बिगिनर हो ट्रेडिंग में, अगर एकदम स्टार्ट करो ट्रेडिंग में तो आप क्या कर सकते हो, इन सब चीज को मैं गाइड करने वाला हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली आज के लिए, तो आप लोग अगर फॉरेक्स में बिगिनर हो तो ये वीडियो जरूर देखना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। एंड जो लोग भी ये इंस्टाग्राम पर वाइब फैलाते हैं कि नहीं यार प्रॉफिट नहीं होता है, ये वो कोर्स बेचने के लिए लोग दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं गाइस। मेरा कोई भी पेड ग्रुप नहीं है, कोई भी मेरा कोर्स नहीं है, सब कुछ फ्री है गाइस। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो प्रॉफिट दिखा रहा हूं इसके पीछे कोई लॉजिक या कुछ रीजन है। आई एम जस्ट वॉन्ट टू शो यू लाइक कि आप प्रॉफिट बना सकते हो, अगर आप लॉजिकल ट्रेड लो, रिस्क मैनेजमेंट करो तो आप एक बड़े बड़े प्रॉफिट फॉरेक्स में बना सकते हो जो कि मैं इंडियन मार्केट में नहीं बना। तो लेट्स मूव टू द मार्केट। सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस कि ये प्रॉफिट आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो प्रॉफिट हो रहा है गाइस, करंट जो प्रॉफिट है वो अराउंड है $42,000 जो कि होता है आपका 40 लाख के अराउंड का, 38 से 40 लाख के अराउंड का क्या है हमारा प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट का हमें क्या करना है ध्यान से देखिए, मतलब ट्रेड क्या गया, लॉजिक क्या था ये ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आऊंगा। अगर आप चार्ट पे आओगे ना आपको दिखेगा पहले मार्केट ने एक अप रैली दिया जो कि मैंने ट्रेड कैप्चर किया था, ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी दिया था, साथ ही साथ मैंने इसको लाइव भी दिया था, अगर आप लोग लाइव ज्वाइन होते हो तो आपको आइडिया हो। उसके बाद मैंने एक चीज नोटिस की कि मार्केट बार बार एक ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है इसको रिजेक्शन ले रहा है और बार बार ये ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। अब एक चीज याद रखना गाइस, कभी भी मार्केट बार बार रिजेक्शन ले, एक ही लेवल को ब्रेक करे, ऊपर ना जा पाए और एक वो रेंज के ऊपर ट्रेड करे, जो अपने नॉर्मल रेंज के ऊपर ट्रेड करे, मतलब वो मार्केट फॉल करने के लिए रेडी है। जैसे गोल्ड जो है जनरली ट्रेड करता है 2300-2200 के अंदर, लेकिन इस टाइम में ट्रेड कर रहा था 2364 या 66 के आसपास जो कि इसके लिए हाई लेवल था, करेंटली 20-25 दिन का हाई लेवल था, मतलब ये चीज तो था या तो सडन फॉल करने वाला है। और अगर आप इसको आके वनडी में देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा बंद कर दूं, और अगर आप इसको आके वनडी में वॉच करोगे तो वनडी में आपको क्या दिख रहा है, वनडी में आपको एक सिंपल सा लॉजिक दिख रहा है कि भैया जो ये मार्केट है ना, ध्यान से देखिए ये जो लेवल है ना, एक बार दो बार तीन बार, और तीनों बार जो यहाँ पे फॉल है ना, एक शार्प फॉल आया है। तो मैंने एक चीज यहाँ पे नोटिस की भैया ये जो फॉल आने वाला है ये तो बहुत एक शार्प फॉल लेकर मार्केट आएगा, मतलब अगर यहाँ से गिरेगा तो मुझे एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा। वही चीज़ मार्केट ने यहाँ किया, पहले मार्केट ने एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिया फिर शार्प फॉल, यहाँ भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया फिर शार्प फॉल, यहाँ भी मुझे सेम चीज़ दिखा, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया साथ ही साथ एक वो रेजिस्टेंस था, एक ट्रेडलाइन बोल सकते हो जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था, जो कि बार बार इंडिकेट कर रहा था कि भैया मार्केट गिर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है ये इकोनॉमी पे होता है। जैसे यूएसडीटी आईएनआर का पेयर अगर 83 पे चल रहा है तो अचानक से 110-120 नहीं जा सकता, वो अचानक से 30-40 पे नहीं आ सकता, बहुत रेंज बाउंडेड मूव करता है। वही सेम चीज़ गोल्ड के साथ भी है, गोल्ड की इकोनॉमी जो है हमारे इंडियन करेंसी के साथ जुड़ी हुई है, तो ये अचानक से नहीं बहुत तेज ऊपर भाग जाएगा चाहे बहुत तेज नीचे आ जाएगा, ये एक रेंज में रहेगा, उस रेंज को मेंटेन करेगा, इकोनॉमी को मेंटेन करेगा। और यहाँ मुझे मार्केट ओवरबॉट दिखा, मैंने इसको सेल कर दिया। अगर मुझे मार्केट फिर से इसके अगल बगल दिखेगा 2200 समथिंग का अगल बगल, चाहे आप बोलोगे इसके अगल बगल दिखता है मुझे 2200 के अगल बगल दिखता है, तो मैं इसमें फिर से एक बाइंग ट्रेड को प्लान करूंगा जो कि इसके इसमें मुझे बड़ा ट्रेड देगा। तो इन सब मार्केट में क्या होता है ना, जब आप ट्रेड करते हो फॉरेक्स में तो आपको एक रेंज मार्क करना होता है, जैसे ये रेंज हुआ, ये रेंज हुआ, ये रेंज हुआ, इधर कहीं मार्केट दिखे तो आप एक अपना रिस्क बढ़ा करके, पहली बात तो एक रिवर्सल ट्रेड्स होते हैं, इसके स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं, जैसे मार्केट यहाँ पे चढ़ के आप यहाँ पे आप सेल करना चाहते हो तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे ट्रेड करोगे। अगर मानो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया फिर थोड़ा ऊपर गया, आपने फिर सेल किया फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ, मानो दो बार स्टॉप लॉस हिट इसने कर दिया, तीसरी बार अगर यहाँ पे गया ना आपने, तीसरी बार फिर से सेल किया हाई पे और मार्केट अगर फॉल कर गया, तो ये जो दोनों छोटे छोटे स्टॉप लॉस है ना वो रिकवर करके आपको बड़ा प्रॉफिट देगा, मतलब रिवर्सल में अगर आप सही जगह एंट्री बनाओगे तो आपको बड़े ट्रेड्स मिलते हैं। और वही मैंने सेम चीज़ स्ट्रेटजी को मैंने यहाँ पे यूज़ किया, मैंने सिंपल स्ट्रेटजी को इसी जगह पे यूज़ किया और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया रिवर्सल कैंडल, और आप देख सकते हो जो हमारा प्रॉफिट है इस ट्रेड में करेंटली कितना है, $41,000-42,000 के आसपास है, जो कि एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट है मेरे लिए गाइस। हो सकता है बहुत लोगों को कम लगे, बहुत लोगों को लगे कि नहीं सर नॉर्मल प्रॉफिट है, और ये लाइव ट्रेड है गाइस, ये मेरा रियल अकाउंट है, बहुत लोग डेमो अकाउंट भी बोलते हैं, तो डेमो अकाउंट नहीं है भाई, इट्स आवर रियल अकाउंट। अगर आप डेमो अकाउंट में जाओगे तो उसके लिए क्रिएट करना पड़ता है, सो दिस इज आवर रियल अकाउंट जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं। और इसमें करेंट का जो प्रॉफिट है वो 67,000 हो चुका है। मैं अगर बात करूं कि अगर आप 10 लॉट सेल करते हो तो कैपिटल कितनी यूज होती है, अब आप साइड में देखो,
साइड में 10 लॉट सेल करने का, यहाँ पे देखें सब लोग, ठीक है, इस साइड 10 लॉट सेल करने का कितना दिखा रहा है, $4,654। मैं अगर मार्जिन कम कर दूँ, बहुत कम मार्जिन, जो लेवरेज हमने जो 500 के इसको मैं 100 रख दूँ, तो ये थोड़ा सा 5 times इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब $20,000 के अराउंड का यूज़ किया जब मैंने 1:100 का लेवरेज रखा, 20K का मैंने यूज़ किया, और 20K का यूज़ किया मैंने कैपिटल, उसमें से रिस्क कितने का था, 4K का रिस्क था, मतलब 4 lakh 4K USDT का रिस्क था, जो कि इंडियन रुपीज़ में 4 lakh होता है, तो 4 lakh के रिस्क पे हमने 40 lakh रुपये का पैसा बनाया, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट है। और ऐसे ट्रेड मैं रोज़ नहीं करता, मैं दिखाता हूँ, मैं ऐसे ट्रेड्स भी करता हूँ, बहुत लिमिटेड। अब लोग कहेंगे सर आपके लॉस तो होते हैं, भाई लॉस होते, लेकिन लॉस कितना होता है ये मैटर करता है। मैंने एक चीज़ बताया आपको, बड़ा प्रॉफिट चलेगा, छोटा प्रॉफिट चलेगा, छोटा लॉस चलेगा, बड़ा लॉस नहीं चलेगा। पूरी मेरी कैपिटल में कहीं भी आपको बड़ा लॉस नहीं दिखेगा, आप देख सकते हो, एक भी जगह आपको यहाँ पे बड़ा लॉस नहीं दिखेगा। बड़े प्रॉफिट्स दिखेंगे, जैसे यहाँ पे देखो 28 लाख का प्रॉफिट मैंने 6 जून को किया था, अभी 6 जून को 28 लाख, मतलब 30 लाख का प्रॉफिट, और ये 40 लाख का प्रॉफिट, 70 लाख का प्रॉफिट हो गया इस महीने, बहुत है मेरे लिए। अब मैंने महीने में कितने बड़े ट्रेड लिए, केवल 2 ट्रेड लिए, 2 केवल बड़े ट्रेड लिए, मैं 60 लाख भी मान के चलूँ तो केवल 2 ट्रेड में हमने कितने बने, 60 लाख रुपये, जो कि सफिशियंट है, इससे ज़्यादा रिस्क लेना ही नहीं है गाइस। अगर आप 60 लाख रुपीस इन जस्ट 2 ट्रेड्स बना रहे हो, तो महीने में कुल 2 ट्रेड लो, ओवर ट्रेड मत करो। मेरा यही बोलना है कि छोटे छोटे ट्रेड करते रहो, लेकिन जब भी आप बड़े ट्रेड्स पे जाओ, जब भी आप बड़ा ट्रेड करने का सोचो, तो गाइस उस पर रिस्क आप छोटा रखो, रिवॉर्ड बड़े ट्रेड्स लो, तभी कैपिटल ग्रो कर पाएगी। और मैं नीचे आऊँगा, एक और 16 लाख का प्रॉफिट है, और देखो प्रॉफिट हमेशा बड़े होंगे, लॉस कहीं भी बड़ा आपको नहीं दिखेगा, पूरा सर्च कर लेना, ये PNL में आपके सामने स्क्रॉल कर रहा हूँ, फिर से प्रॉफिट 20 लाख 17 लाख का आया, कहीं भी PNL बड़े बड़ा लॉस नहीं, आप देख सकते हो एक भी जगह, ठीक है, 18 लाख आया, 4 लाख आया, ये प्रॉफिट्स बड़े हैं, ये अप्रैल का प्रॉफिट है, लेकिन रिस्क हमेशा छोटा है। तो ये चीज़ आप माइंड में एकदम बैठा लो कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास एक चीज़ नहीं चलेगा, जो कि है बड़ा लॉस। छोटा लॉस, छोटा प्रॉफिट, छोटा बड़ा प्रॉफिट भी चलेगा, बड़ा लॉस नहीं चलेगा। और गाइज अगर आप कैपिटल ग्रो करते हो तो एक बात याद रखना, आप कभी भी नंबर ऑफ ट्रेड्स पे ध्यान मत देना, ठीक है, आप हमेशा क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स पे ध्यान देना। अगर क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स आपने महीने में 3 या 4 भी ले लिया ना, तो आपकी कैपिटल को डबल ट्रिपल करने के लिए सफिशियंट है। मेरी आज इस महीने मैंने कैपिटल जो स्टार्ट की थी वो $10K से की थी, मतलब 10 लाख रुपये से किए थे, और मैंने 60 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया है, स्टिल मेरे पास मेरी कैपिटल है अभी, तो आप देख सकते हो मैंने केवल 10 लाख से अपनी कैपिटल को 6x किया, साथ ही साथ मेरी कैपिटल भी मेरे पास अभी भी अवेलेबल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ट्रेड कैसे मैनेज करते हो, कैसे करते हो, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मार्केट गाइस। साथ ही साथ मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेड को बेसिक उस पर नहीं करते हो, प्रिंसिपल पे नहीं करते हो, तो भी अब बड़ा लॉस होगा। जैसे देखो बहुत लोगों को गाइडेंस चाहिए होती है, सर मुझे नहीं पता कैसे करते, गाइडेंस मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, तो मैं आपको गाइडेंस भी बता देता हूँ। जैसे देखिए मैं आपको अपना एक बार टेलीग्राम ग्रुप दिखाता हूँ, ये देखिए आप लोग, ये मेरा फॉरेक्स का टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पे आप देख सकते हो मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। अभी मैंने जस्ट ये वाला ट्रेड का अपडेट दिया था, आप देख सकते हो जो इसके नीचे मोमेंटम बनाए, उसके पहले भी मैंने गोल्ड का अपडेट दिया हुआ था, आपको दिखाता हूँ। ये ट्रेड देखो गोल्ड का अपडेट दिया गया था, इसके नीचे सेल के लिए गया था, और ये देखो मार्केट कितना ज़बरदस्त फॉल किया। तो ये सारे ट्रेड्स मैं इस पर भी देता हूँ, लर्निंग के लिए मैं वीडियोज़ भी प्रोवाइड करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी भी देता हूँ जो लोगों को लर्निंग पर्पज़ में बहुत हेल्पफुल होती है। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो सिंपली क्या करना है, फॉरेक्स अकाउंट ओपन करना है। या बहुत लोग अभी सोच रहे होंगे सर मैं अभी फॉरेक्स सीखना चाहता हूँ, मैं 40 लाख तो नहीं लेकिन दिन का 4,000 रुपये ज़रूर बनाना चाहता हूँ, चाहे 2,000 रुपये बनाना चाहता हूँ, तो आपको बस दिन में 30 से 40 मिनट देना है टाइम पे, अरे चार्ट पे, बाकी आपको केवल ट्रेडिंग करनी है, वो भी बेसिक ट्रेडिंग, ज़्यादा नहीं, और आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, आपको जाना है फॉरेक्स अकाउंट पे, इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट आएगा, क्रिएट कर लीजिए रजिस्टर पे क्लिक करके, और आप लोग अपनी डिटेल्स यहाँ पे फुलफिल कर लीजिए, और यहाँ पे पासवर्ड सेट करके कंटिन्यू कर लीजिए, फंड ऐड कर लीजिए, और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप करते ही मैं आपको इस ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, साथ ही साथ इसके ऊपर मैं प्रॉपर कोर्स लेकर आ रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपके लिए, एक मैंने नया चैनल बनाया प्रॉपर फॉरेक्स के रिगार्डिंग, जिसको बोलते हैं फॉरेक्स विजडम, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे मैं एक सीरीज लेकर आने वाला हूँ, जहाँ पे मैं बेसिक से एडवांस सब कुछ बताऊंगा। अभी इसका पार्ट 1 आया है, धीरे धीरे कट के सारे पार्ट्स आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर अस गाइज, ये मेरा बड़ा प्रॉफिट था, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ, हो सकता है आपको मोटिवेशन मिले, आपको अच्छा लगे देख के, लॉजिक भी सिंपल सा था, मैंने इसको बताने का ट्राई भी किया। बहुत लोग $1,000 का प्रॉफिट करते हैं, $400 का प्रॉफिट करते हैं, तो वो लोग भी लाइव ट्रेड दिखाते हैं भाई,
और कोई गलत नहीं हो, दिखाना ज़रूरी भी है यार। वो बंदा आपको मोटिवेट कर रहा है, जो भी कर रहा है वो आपको बता रहे को प्रॉफिट करते। मैंने अपना प्रॉपर पीएनएल भी दिखाया, प्रॉफिट लॉस तो ठीक है, मैंने प्रॉपर 2 महीने का पीएनएल दिखा दिया है। अगर आपको मन करे, डाउट हो तो भैया देख लो, मैं एक बार फिर से स्क्रॉल कर देता हूँ। एक बार बैठ के आप लोग क्या करिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्या करिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा आराम से, पॉज करके 1x पे करके एक बार प्रॉपर 2-3 महीने का पीएनएल कैलकुलेट करके। इनफैक्ट मुझे बता दीजिए कितना प्रॉफिट, क्योंकि मैंने भी कैलकुलेट नहीं किया है। 1 crore प्लस प्रॉफिट होगा पिछले 2 महीने का। और इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि मैंने पिछले महीने कितना प्रॉफिट किया है, लॉजिक क्या था और मेरी स्ट्रैटजीज क्या थी। बाकी दोस्तों US ऑयल की बहुत फेवरेट स्ट्रैटजी है और गोल्ड की, अगर आपको जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में स्ट्रैटजी टाइप कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो उसके ऊपर प्लान कर दूंगा। बाकी दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही, ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिली होगी। अगर लर्निंग मिली है तो प्लीज़ गाइस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मिलते हैं गाइस, कीप सपोर्ट, और जो भी अपने फैमिली ग्रुप चाहे जहाँ भी शेयर करना चाहते हो शेयर करिए, एंड मिलके ग्रो करते हैं गाइस। थैंक यू वेरी मच।